विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किरायेदारों की बड़ी मांग को पूरा करते हुए बिजली के प्रीपेड मीटर का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में किरायेदारों को सस्ती बिजली का फायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक मीटर से पूरे मकान को बिजली मिलती है, जिससे मकान मालिक ज्यादा बिल भी वसूलते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किरायेदार बिजली मीटर योजना के बारे में बताते हुए कहा कि हम 3 नंबर जारी कर रहे हैं, जिससे प्रीपेड मीटर की होम डिलीवरी होगी। इस नंबर पर कॉल कर मीटर ऑर्डर करें। प्रीपेड मीटर किरायेदारों के यहाँ लगाए जाएंगे, ये सिर्फ डोमेस्टिक में लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकान मालिक डर की वजह से किरायेदार NOC भी नहीं देते थे। मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना के तहत प्रीपेड मीटर किरायेदारों के यहाँ लगाए जाएंगे। दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिना किसी कटौती के बिजली मिल रही है, हालांकि कुछ इलाकों में ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं। उन्होंने कहा अब किरायेदारों को NOC नहीं लेना होगा। योजना का लाभ हासिल करने के लिए रेंट एग्रीमेंट या रेंट की रसीद और उस मकान का एड्रेस प्रूफ देना होगा। इससे पहले पिछले महीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किरायेदारों को अगले 3 महीने में बिजली पर सब्सिडी का फायदा देने का वादा किया था। जंतर मंतर पर किरायेदारों की मांग को लेकर चल रहे कार्यक्रम में शामिल होकर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि सस्ती बिजली मुहैया कराने के प्लान पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। देश की राजधानी लंबे समय से किरायेदार सस्ते दामों में बिजली या फ्री पानी नहीं मिलने की शिकायत करते आए हैं। किरायेदारों को भरोसा दिलाते हुए केजरीवाल ने कहा था, मैं हमेशा कहता हूं कि आम आदमी पार्टी को अमीरों ने वोट नहीं दिया, बल्कि गरीबों ने वोट दिया है। आम आदमी पार्टी किरायेदारों की पार्टी है, ये अमीरों की पार्टी नहीं है। आपने हम पर विश्वास किया, अब उस विश्वास को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। हमने जितने वादे किए थे, एक एक वादा पूरा कर रहे हैं।